नमस्कार दोस्तों, हम राजू चौरसिया। दोस्तों तो हमारे चैनल में दोस्तों आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों का इससे बहुत जबरदस्त वीडियो और प्लास्टर दोस्तों करना मेरा से अगर सीखना है तो आप लोग दोस्तों साफा आसान तरीका सीखिए। कैसे दोस्तों अगर प्लास्टर आप लोग सीख लेते हैं तो देखिए हमारा प्लास्टर मैं कितना सफाई काम किया हूँ। देखिए इधर भी है और मैं आप लोग के ये दीवार समझिए, दीवार प्लास्टर करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। दीवार पूरा फंटी में सूता में कैसे होगा तो इसको हम नीचे से करेंगे और नीचे से करेंगे कैसे, ये टेबल के माध्यम से ये हम ऊपर तक घोला लगाएंगे और ऊपर थोड़ा छाप लेंगे, फंटी नीचे से ही मारेंगे। ऐसे में आप लोग ज्यादा स्क्वायर फुट प्लास्टर कर सकिएगा, ठीक है। तो चलिए ये दीवार हम काफी तरीका से दो दिन से पानी मार के बिल्कुल तर कर चुका हूँ। देखिए दीवार कभी भी आप लोग तर रखना, कहीं भी प्लास्टर कर रहे हैं दीवार अच्छा से तर कीजिएगा, प्लास्टर आप लोग के ऑटोमेटिक दोस्तों जल्दी होगा। और मसाला भी आप लोग देख सकते हैं, मसाला भी एकदम हमारा भर भर रहता है, थोड़ा सा भी हाथ में सटेगा नहीं। और दीवार तर है तो दीवार कैसे सूखेगा, ये जितने में मसाला रखा हूँ उतने रहेगा, रुसा एकदम फिनिशिंग चलेगा और फंटी भी मारने में आप लोग आसान रहेगा। तो चलिए हम इसको घोला लगाते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैसे दोस्तों प्लास्टर का मिस्त्री मैं हूँ, आप लोग जितना बताता हूँ और सिखाता हूँ और वीडियो में जैसा मैं करके बता रहा हूँ दीवार ज्यादा एक्सवायर फिट भी प्लास्टर हो जाएगा। देखिए आधा घंटे में दोस्तों हम दीवार के कर देते हैं और बिल्कुल पूरा घंटी में साउल में सब में करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम घोला ऊपर चढ़ के लगाते हैं, मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम चल रहा हूँ, चलिए भैया घोला दीजिए। तो देख सकते हैं जब दीवार आप लोग तर रहेगा तो घोला भी थोड़ा गाढ़ा दोस्तों, जैसे देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों एकदम हमारा दीवार में से फाट नहीं रहा है। चलिए डाबा से जो हम ऊपर में बीम बनाया है वो भी दोस्तों उसमें हल्का सा लगना चाहिए, एक इंची इसमें मसाला लगेगा, घोला लगेगा तो उसमें मसाला पकड़ करेगा। देखिए इस तरीका से ये भी एक भी आप लोग देखिए जल्द में काम करने के लिए पहले ये भी आप लोग घोला अच्छा से इसको भी विंडो के आप लोग अच्छा से लगा लीजिएगा। देखिए तो इस तरीका से ऐसे जैसे मैं घोला लगा रहा हूँ, घोला में आप लोग कंचूसी मत करिएगा, वही घोला कंचूसी आप लोग कर देते हैं तो समझिए पूरे दीवार गिरने लगता है और टाइम लग जाता है। तो देखिए किस तरीका से हमारा घोला एकदम नीचे मुँह जा रहा है और इधर भी कोने में से हम एकदम लगा लेते हैं। देखिए बाकी अब नीचे से लग जाएगा, अच्छा से लगाइएगा। देखिए जहाँ पे ईंटा पे नहीं लगा हुआ है इसलिए अच्छा से ऐसे पाइप वोट में भी, और एक भाई ने कमेंट भी किया है ऐसे पाइप पे प्लास्टर कैसे होता है, जो हमारा हर वीडियो देखते हैं, दो तीन वीडियो में कमेंट किए हैं बहुत ज़्यादा से, भैया आप रिप्लाई देकर नहीं बताते हैं, भैया टाइम नहीं मिलता है इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। देखिए घोला मैं लगा रहा हूँ, कैसे मैं एक पास लगा दिया हूँ ये टेबल और टेबल पे मैं खड़ा होकर एकदम लगा देता हूँ पूरा और घोला। एकदम देख सकते हैं आप लोग ऊपर हमारा बिल्कुल अच्छा तरीका से घोला तो लगा लिया, नजर से आप लोग देख लेना अच्छा से लगना चाहिए घोला। और चलिए थोड़ा थोड़ा नीचा रह गया है, नीचे में लगा देता हूँ, यहाँ पे घोला रख देता हूँ, एक डेस्क पे अभी हीटर रख देंगे। पूरा लाइव स्टाइल दोस्तों हमारा देख रहे हैं,
मैं कितना आराम से काम करता हूँ, और नए आदमी काफी हड़बड़ाते होंगे, तो हड़बड़ाने से नहीं होता है। मैं हर एक वीडियो में भी बोलता हूँ, देखिए शांति दिमाग करके दोस्तों काम करना, आराम से घोड़ा लगाना, उसको बाद कैसे हम छाप रहा हूँ एक बराबर, एक बार पंटी मार देंगे एकदम हमारा ये दीवार पूरा आ जाएगा लेवल में। देखिए जब दीवार तर रहता है तो घोला भी ज्यादा नहीं लगता है एकदम ये हमारा, और नीचे में जो ये मसाला पानी उनी गिर रहा है उसमें थोड़ा सा सूखा मिला लेना, कैसे ज्यादा गिर मसाला मत छाप लेना। घोला देख सकते हैं आप लोग पूरे दीवार में लगा दिए, सूखने का टेंशन ही नहीं है। इतने में घोला दोस्तों पानी मारा हूँ से समझिए सूखने का इसमें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है हमको। अकेला प्लास्टर कर रहा हूँ, बड़ा दीवार है, सूख जाएगा नहीं। देखिए 15 मिनट में दोस्तों मैं छाप देंगे, 15 मिनट में छाप देंगे, 2 से 3 मिनट में दोस्तों मैं फंडी मार देंगे, और रूसा तो दोस्तों समझिए 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा इसको अच्छा फिनिशिंग करने में। तो चलिए अब अकेला हूँ दोस्तों, मैं भेज रहा हूँ दोस्तों मसाला, ये रहा एकदम मसाला हमारा भर भर है। देखिए जब आप लोग छापते हैं और सही से एक बराबर नहीं छापते हैं, देखिए अब हम छापेंगे यहाँ से, देखिए छापने में भी ठेहा बनाना है आप लोग। देखिए जिस हिसाब से आप लोग नीचे छाप रहे हैं उसी हिसाब से ऊपर तक छापते चलना है। देखिए जैसे यहाँ पे हम जितने मोटाई के हम बना देंगे ठेहा, जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने ऐसे हम बना दिया ठेहा, और इसी लेवल से ऊपर तक हम छापते जाएंगे। ये नहीं कभी यहाँ पे मारेंगे, कभी यहाँ पे मारेंगे, कभी यहाँ पे, ऐसे नहीं, एक बराबर से आप लोग हड़बड़ाइए नहीं ऐसे। देखिए इस तरीके से ऐसे बिल्कुल ये जहाँ पे गाढ़ा है वहां पे फिर से छाप लेना, और एक बराबर से ही छाप के चलना, ठीक है। जैसे देखिए मैं सामने आप लोग देख ही रहे हैं, और खुशी तो हमको लगता है इसे जब आप लोग बोलते हैं सर भैया हम आपके वीडियो देखकर सीख गए प्लास्टर, बहुत खुशी लगता है दोस्तों सच में। मेरा वीडियो बनाया हुआ के सफलता मिल जाता है, पर मैं प्रत्येक दिन वीडियो बनाता हूँ, पर कहीं कहीं वीडियो आप लोग कोई वीडियो नहीं देखते हैं, इसमें भैया क्या बताएंगे। आप लोग लिखने पर मत जाइए से हम क्या लिखे हैं, सिर्फ मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आप लोग देखिए से जरूर हमारा, उसमें नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, से जो भी मेरा ऑडियंस है वो हमारा सीख पाए अच्छा से। तो देखिए इधर सफाई है, कहीं कहीं अंधेरा वाला काम होता है इसलिए बन नहीं पाता है, और इधर तो पूरा दिख रहा है ना आप लोग के। जैसे देखिए मैं कितने एक बराबर से ऐसे ही छाप रहा हूँ, 2 मिनट में इतना छपा गया, समझिए 15 मिनट में पूरा छपा जाएगा। तो चलिए पूरे छाप देते हैं, और सूता में साबुल में और जो ऊपर में लटक धार है वो भी एक बराबर कैसे हो जा रहा है देखिए एकदम हम, देखिए पहले नए आदमी जाता है तो समझिए उसको ऐसे करने चलाने में बहुत दिक्कत होता होगा। देखिए एकदम बड़ बड़ मसाला छाप रहा हूँ, दीवार सूखने का कोई लोड ही नहीं है, एक ऐसे भी छपाई होता है यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से मसाला उठा कर आप लोग ऐसे भी मार सकते हैं, चाहे आप लोग बैठ के भी दोस्तों इस तरीके से ऐसे। बस दीवार तो छपा दिया, दीवार तो छाप दिए दोस्तों, गर्मी का मौसम है, गर्म भी हो गया पूरा शरीर। चलिए अब इसको फंटी में मारेंगे, उससे पहले हम इसको चिपकाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे करनी पकड़ के, जैसे देखिए ऐसे चिपियाने से फायदा है से समझिए फंडी भी पूरा बैठ जाएगा,
और फिनिशिंग भी दोस्तों पूरा आएगा तो रूसा मारने में भी दोस्तों आसानी रहेगा, इसलिए हम चिपका देते हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे एक बराबर कोशिश करना आप लोग चिपकाने का। हम ये चिपका देते हैं तो फंडी एकदम नया आदमी के मारने में और कोई काम में हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाने से नहीं होता है। शांत दिमाग करके दोस्तों प्लास्टर कीजिए, चाहे दुनिया के कोई भी काम करते हैं दिमाग लगा कर कीजिए दोस्तों, काहे से ज़्यादा मेहनत भी ना हो और आसानी से काम हो जाए। और अकेले छापा हूँ दोस्तों, दीवार भी अभी तक सूखा नहीं है, कैसे मैं पानी ज़्यादा मारता हूँ प्लास्टर करने से पहले। देखिए इस तरीके से कुछों में भी ठेहा बनाइएगा, यहाँ से ठेहा बनाए हैं और यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको आप लोग क्या करते हैं, हम लोग फंटी बोलते हैं, आप लोग बटन बोलिए, पाटा बोलिए। तो चलिए ये दीवार के सीधा ऐसे बीच में आप लोग लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे एक ठेहा बना देना है। और ठेहा बनाना है तो ये भी देखना है, जैसे ऊपर में हमारा बीम प्लास्टर हो गया है तो बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ से एक बात आप लोग नहीं मुठभेड़ में दिया है तो समझिए, जब ठेहा बनाते हैं तो ये नहीं से ठेहा फंडी में होके ना होके आप लोग फंडी पॉट में मारने लगिएगा तो खराब हो जाएगा। देखिए साउल लगा रहा हूँ एकदम, हमारा जो भी दोस्तों छापा हुआ छिपियाया हुआ रहता है और उस पर हल्का फंडी में रगड़ देता हूँ तो समझिए पूरे साउल में हो जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप इसको फिनिशिंग करने के लिए झीट रहा हूँ मैं, मेरा दीवार साउल में हो चुका है, अब इसको ऐसे फिनिशिंग से हमारा पॉट चलाने में सही रहेगा, इसलिए आप लोग भी फिनिशिंग कर लेना ऐसे। हर के पास में हो जाए तो देखिए इस तरीके से ऐसे। और अभी फिलहाल लेबर ओबर के भेज दिए हैं दोस्तों, बाहर से प्लास्टर शुरू होने वाला है इसलिए वो लोग बांस काटने गया है मचान लगाने के लिए, गांव देहात में मचाने से होता है ना काम। देखिए इस तरीके से ऐसे मसाला इसको झेड़ देना और झेड़ने के बाद फिर पाटा आप लोग उठाइएगा। देखिए यहाँ पे जो हम पहले काटा हूँ उसमें आप लोग हमारा इस तरीके से आप लोग फिनिशिंग कर देंगे ना, जैसे देखिए ये हमारा पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ये हमारा पाटा में हो गया। जब ये पाटा में हो जाएगा तो समझिए पूरा दीवार पाटा में हो जाएगा, अगर यही पाटा में आप लोग नहीं कर पाइएगा। और ये भी देखिए साहुल में, देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने हमारा साउल में हो गया। जब यहाँ से आप लोग यहाँ फिर से यहाँ बैठेगा बना लीजिए उसी हिसाब से, जैसे बीम में जितना आप लोग देखिए यहाँ पे उतने यहाँ पे होना चाहिए तब आप लोग ठेगा बना लीजिएगा। और फिर यहाँ से मुझे कटिंग करिएगा, देखिए पहले हम हल्के कटिंग करके देख लेते हैं तो उनसे पता लगेगा तो आप लोग नीचे काटना है कि ऊपर काटना है। जैसे देखिए मैं घंटी लगाया, घंटी में ठीक है, जब घंटी में ठीक रहेगा तो सिर्फ आप लोग फिर एक बार समझिए हल्का हल्का सिर्फ ऐसे झीड़ देना से हमारा पूरा फिनिशिंग आएगा, से हमको घंटी मारने में भी अच्छा लगेगा। देखिए एक एक करने के मसाला ऐसे इस तरीके से ऐसे Thank you.
तरीके से ऐसे देखिए हो गया। ये भी हमारा पूरा पाठा में होना चाहिए दोनों से यार। ये जरूरी है। देखिए कितना फिनिशिंग हो गया, प्लास्टर जैसा हो गया। एक बार और हम चेक कर लेंगे लास्ट में कौन कौन सी खाल लगेगा। देखिए एकदम जीरो जीरो है। अगर जीरो जीरो है, अगर इंजीनियर पास करेंगे तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा और मोटा मसाला है इससे निकाल करेंगे थोड़ा सा और खाएंगे। जब मसाला हवा या नीचे है जैसे इंजीनियर को चाहिए वैसे आप लोग करके दीजिए। हो गया। और ऐसे होने से आप लोग जैसे पॉट वाला मारिएगा तो ठेहा नहीं कटना चाहिए। आप जितना सोलो मारिए या जितना ऐसे फास्ट मारिए और ये कटना नहीं चाहिए। देखिए हमारा पूरा पाटा में थोड़ा सा कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ऐसे देखिए कर रहा हूँ और इधर भी और पूरा नीचे आ जाएगा। तो इधर से आप लोग देखिए ऐसे कोई मिस्त्री नहीं तो करता है। ये पूरा पाटा में इधर पूरा कोना में भी चला गया। देखिए इसी पे अब हम रुका भी मार देंगे ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप लोग बोलता हूँ क्या है पंडी मारने में आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आता है बल्कि आपको पंडी में बहुत दिक्कत होता है क्या है बताइए। देखिए इधर से और इधर से खींच लिए और हमारे हम मिला देंगे। देखिए देखिए यहाँ से देखिए हमारा हो गया। इधर देखिए ये कोट में दोस्तों हमारा इतना फंडी में हो गया। और ये हमारा फिगर की साइड ऐसे फंडी में बना देना है। अब इसको बताइए आप लोग कितने इधर भी मुझे कोने में कहाँ लगा कर बताए बताइए। इसको आप लोग कहाँ लगाइएगा, यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ले जाइएगा आप लोग हमारा। कौन मिस्त्री दोस्तों ये काम पे खराब करेगा बताइए। जैसे मैं किया हूँ इसको कौन खराब करेगा बताइए। कहाँ लगा जहाँ आप लोग फंडी लगाइए बताइए। जैसे हैं कहाँ इधर बैंड है चाहे ऐसे दोस्तों फंडी मारिए। अब हम क्या करेंगे इसमें भी दोस्तों मैं मिस्त्री हूँ तो मैं दूसरा एकदम फिनिशिंग झकास कर सकता हूँ। पर दोस्तों आप लोग कहीं कहीं गाढ़ा है अगर ज़्यादा इंजीनियर चेक कर रहा है तो कहीं कहीं गाढ़ा में ऐसे मसाला जैसे देखिए यहाँ पे गाढ़ा है। इस तरीके से ऐसे झेड़ देना है ठीक है। ऐसे झेड़ देने से दोस्तों जो गाढ़ा रहेगा वो हमारा फिनिशिंग आ जाएगा फिर दोबारा कोट में। जैसे देखिए ऐसे झेड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक भजन है हमारा भी सीख रहे हैं हमसे प्लास्टर और कल से प्लास्टर भी करना स्टार्ट कर देंगे।
पीछे मुँह है, जो कैमरा अभी कर रहे हैं वो भाई के पीछे मुँह है। देखिए इस तरीके से ऐसे गाढ़ा गुड़ा जहाँ पे है, जहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे गाढ़ा है, इसको ऐसे हम झीट दिए। और यहाँ पे है जहाँ पे पतला है, जहाँ पे पतला मार दीजिएगा। देखिए ये है हल्का, ऐसे जब हो जाएगा आप लोग के तब इसको आप लोग क्या देखिए, ये हमारा सीधा रखना है और इसको हिसाब से ऐसे देना है। देखिए देखिए दम हो गया। चलिए इसको रुखसा भी कर देते हैं 5 मिनट, हंडी मारने में टाइम लगा दोस्तों, पूरा 1.5 घंटी में सब हो गया है। चलिए इसको रुखसा से फिनिशिंग कर देते हैं। देखिए ये रहा रुखसा, यहाँ से इस तरीके से ऐसे झीट देना है। यहाँ से झीकने के बाद ऐसे छिप जा देना। प्लीज आप लोग रुखसा में और छापने में ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। इसको मैंने जब मिस्त्री के काम सीखा हूँ, मेरे को मिस्त्री बोला है दो दो से फूट के दीवार छापिए, रुसा मारिए। मैं गरे मसाला बना रहे थे और उतना मैं मेहनत करके सीखा हूँ, तो मेरा क्षमता रहता है दोस्तों कहीं दुनिया में प्लास्टर करके मैं हिला कर रख देता हूँ, और कोई मालिक इंजीनियर का काम। देखिए सामने जो काम किए हैं उधर सामने आप लोग देख सकते हैं, इसी में आप लोग सेलिंग के भी वीडियो देखे हैं, बीम के भी मैं दिखाया हूँ। और ये प्लास्टर बहुत पतला है, देख सकते हैं बहुत पतला है, इतना पतला प्लास्टर और पूरे फंडी में हर एक मिस्त्री से बन नहीं पाता है, समझिए ज़्यादा मोटा लगा देगा। और हम देखिए कितने हिसाब से कर रहा हूँ, घर मालिक के भी थोड़ा पैसा 2 रुपया बचेगा। देखिए इसी तरह रुका मारते हैं, देखिए एक साइड से आप लोग फिनिशिंग करते जाना है। देखिए यहाँ पे इसको चिपका देंगे, और इसको ऐसे फिनिशिंग कर देंगे। देखिए एकदम दीवार सूखा हुआ भी नहीं है, एकदम ताजा हो रहा है, कैसे हमने पानी ज्यादा मारे हैं। देखिए बस दोस्तों, तो इसी तरह दीवार को हम पूरे फिनिशिंग कर देते हैं तो पूरा दीवार भर जाता है। और नए आदमी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा लीजिए, कैसे आप लोग के लिए मेरे चैनल से मदद मिलेगा आप लोग के प्लास्टर सीखने में, समझिए अपना घर बैठे ही सीख सकते हैं। और दोस्तों पूरा फिनिशिंग करेंगे तो 15 मिनट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिल्म इतना वीडियो बन जाएगा, इसलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को बने रहिए, आगे चल के एक से एक वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। जय हिंद।